के प्रमुख सहयोगी मिस बाहुद्दीन द्वारा जलमग्न भूमि पर कब्जा करके उसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया था। एक तरफ से दीवार बना दी गई थी, दूसरी तरफ से गेट लगा दिया गया। लगभग 10 बिस्वा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई, जिसकी अनुमानित कीमत और 13 लाख। पांडा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों पर लगातार कानूनी कार्रवाई जारी है। अब की बार मुख्तार अंसारी के एक करीबी के स्कूल पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मुख्तार अंसारी के काफी करीबी माने जाने वाले मिसबाहुद्दीन उर्फ मिसबाह के FHA स्कूल पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। मिसबाह को मुख्तार गैंग का प्रमुख सदस्य माना जाता है। उसने स्कूल के नाम पर लगभग 10 बिस्वा जमीन पर अवैध कब्जा करके बाउंड्री वॉल बना ली थी और इस कब्जे की वजह से सामान्य आवागमन भी बाधित हो रहा था। अब राजस्व विभाग और नगर पालिका परिषद मोहम्मदाबाद गाजीपुर की टीम ने SDM की अगुवाई में बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण की बाउंड्री वॉल और गेट को तोड़कर कब्जा मुक्त कर लिया है। जमीन की अनुमानित कीमत 1,13,00,000 बताई जा रही है। किस तरह की कार्रवाई आज की गई है? FHA स्कूल की बाउंड्री आदि गिराई गई। इंटर स्टेट गैंग 193 जो मुख्तार अंसारी का गैंग रजिस्टर्ड गैंग है, उसके प्रमुख सहयोगी मिसबाहुद्दीन द्वारा जलमग्न भूमि पर कब्जा करके उसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया था। एक तरफ से दीवार बना दी गई थी, दूसरी तरफ से गेट लगा दिया गया था, जिसको आज राजस्व अधिकारियों की टीम के सहयोग से इसको कब्जा मुक्त कराया गया है। लगभग 10 बिस्वा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 1,13,00,000 के आसपास है। बता दें कि गाजीपुर में अब तक मुख्तार अंसारी और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्तियों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है और अभी कई अवैध और बेनामी संपत्तियों की जांच जारी है, जिस पर जल्द एक्शन लिया जा सकता है। गाजीपुर से विनय सिंह की रिपोर्ट, UP तक।